विभाजन सूत्र के बाद एक आपको सूत्र और याद रखना है जिसको कहा जाता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या है कि अगर एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु बी है, बिंदु ए के जो ज्यामिति निर्देशांक हैं वो एक्स वन कॉमा वाई वन है और बिंदु बी के निर्देशांक एक्स टू कॉमा वाई टू है, तो इसका ये मध्य बिंदु है जो इसके बिल्कुल मिडल में है, सेंटर में है, तो ये बिंदु क्या करेगा, इसको एक अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब अगर ये दूरी एक है तो ये दूरी भी एक है, तो बिल्कुल सेंटर में है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, टोटल ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ और 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। जैसे कि अगर कोई भी रेखा है, मान लो इसकी लंबाई टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा उसके इधर लेफ्ट साइड में 4 सेंटीमीटर होगा और राइट साइड में भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो अगर कोई कहे कि भी ए एम और बटे एम बी कितना है, तो आप बोलोगे 4/4, तो ये कट के आ जाएगा 1/1, मतलब कि 1:1। तो जो मध्य बिंदु होता है किसी भी रेखाखंड का, वो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:1। अब अगर मैं विभाजन सूत्र लगाऊं तो एम के कोऑर्डिनेट अगर मुझे चाहिए तो एम का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इधर वाले को इधर वाले से गुना करके और इधर वाले को इधर वाले से गुना करके और 1+1 अनुपातों का योग, और इसी तरीके से y कैसे आएगा, 1 को y2 से गुना करके और प्लस इस वाले 1 को y1 से गुना करके और बटे 1+1। तो आपने देखा कि ये बन गया x1+x2/2 और ये बन गया y1+y2/2। यानी कि अगर किसी भी रेखाखंड की अगर हमें अंत बिंदु पता है, बिंदु A और बिंदु B एंड पॉइंट्स, तो उसका जो मध्य बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दो, x1+x2 और /2 कर दो, 2 से भाग दे दो, इसी तरीके से दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दो, y1+y2 और /2 कर दो, तो इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य बिंदु सूत्र क्या है। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं मान लो उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि भी एक रेखाखंड AB है, A के निर्देशांक कोई बोले कि 2.7 है और B बिंदु है उसके निर्देशांक मान लो कि 4.3 है, तो कोई मुझे बोले कि इसके मध्य बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप बोलोगे x1+x2/2 और y1+y2/2, यानी कि आएगा 6/2 और 10/2, यानी कि आ जाएगा 3.5। तो ये इसका मध्य बिंदु सूत्र लगाया हमने x1+x2/2 और y1+y2/2। तो यहाँ पर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये x1 y1 था और ये x2 y2। मतलब सीधा तरीका है कि भी दोनों A और B के x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 2 से भाग दो, तो मध्य बिंदु का x निर्देशांक आ जाएगा
और दोनों बिंदुओं के वाय निर्देशांक को जोड़ो, दो से भाग दो तो मध्य बिंदु का वाय निर्देशांक आ जाए। तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फार्मूला इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो आपको ये याद रखना है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू।